हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल थे जिनका उत्तर प्रदेश पुलिस लगभग 6-7 दिनों से अरेस्ट करना चाहती थी, उनको अभी मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो आप सभी के मस्तिष्क में एक विचार उत्पन्न हो रहा होगा कि यहाँ पर ये आत्मसमर्पण किया गया है, मतलब सरेंडर किया गया है, या ये पुलिस के द्वारा अरेस्टिंग की गई है, मतलब गिरफ्तारी की गई है। तो यहाँ हम दोनों मुद्दों पर बात करने की कोशिश करते हैं कि जनरली मैं दो बातें कहूँगा इसमें कि आप इसको एक पक्ष में ना देखें क्या है, आप इसके दोनों आयाम देखें। फर्स्ट इज थ्योरेटिकल, सैद्धांतिक पक्ष क्या है। सेकंड इज प्रैक्टिकल, व्यावहारिक पक्ष क्या है, मतलब सैद्धांतिक का मतलब कानून कहता क्या है। पहला ये देख लें, प्रैक्टिकल जो रियल में हुआ वो देख लेते हैं, फिर बाद में हम कंक्लूजन देख लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए, थ्योरेटिकली जो अरेस्टिंग या गिरफ्तारी होती है उसके लिए भारतीय कानून ये कहता है, इंडियन लॉ ये कहते हैं कि कोई भी सरेंडर तब होता है जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध नॉन अवेलेबल वारंट, गैर जमानती वारंट जारी किया गया हो और ऐसी परिस्थितियां हो गई हो कि उसकी गिरफ्तारी करना आवश्यक हो, तब वो कोर्ट में या पुलिस स्टेशन, मतलब पुलिस थाने में जाकर अपने आप को सरेंडर करे और एक सरेंडर एप्लीकेशन लगाए। सामान्यतः इसे सरेंडर का नाम दिया जाता है, आत्मसमर्पण इसे कहा जाता है। ये थ्योरेटिकल है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं कि रियल में जो हुआ है और कानून क्या क्या कहता है। तो देखिए, अरेस्टिंग के लिए, मतलब अरेस्टिंग गिरफ्तारी के लिए CRPC के सेक्शन 41 से लेकर 60, मतलब 41 से लेकर 60 तक 19 धाराएं ऐसी हैं जो गिरफ्तारी की कंडीशन, कब, कैसे, कहां, कैसे गिरफ्तारी की जाएगी, वारंट के साथ, विदाउट वारंट कैसे होगी, ये सब चीज़ें बताती है। ठीक है, यहाँ तक। तो प्रैक्टिकली जो गिरफ्तारी होती है उसका एक अलग कंडीशन है और सरेंडर के जो कंडीशन है वो एक अलग कंडीशन है। अब थ्योरेटिकली इसमें मैंने बता दिया आपको, प्रैक्टिकली जो है वो बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, निष्कर्ष क्या है। तो निष्कर्ष से ही कह सकते हैं कि निश्चित रूप से पुलिस के विरुद्ध ऐसे अपराध किए गए थे, निश्चित रूप से पुलिस के 8 कर्मियों को, मतलब जो मृत किया गया, जो शहीद हो गए, तो इस कंडीशन में पुलिस निश्चित रूप से उसकी तलाश में थी। तो उस व्यक्ति को डर था कि कहीं ना कहीं मेरे साथ एनकाउंटर ना किया जाए, तो उसने ये कह सकते हैं, कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि उसने एक ऐसे हालात या ऐसी कंडीशन पैदा कर दी कि पुलिस उसे आसानी से गिरफ्तार कर सके। और चूंकि मीडिया और CCTV और चूंकि वहाँ पब्लिक प्लेस है तो ऐसे में पुलिस एनकाउंटर करने की स्थिति में नहीं होगी, तो उसने एक ऐसी स्थिति पैदा की कि वो आसानी से अब गिरफ्तारी में आ जाए। अब बात आती है कि अब मध्य प्रदेश पुलिस क्या एक्शन लेगी आगे। तो मध्य प्रदेश पुलिस वहां पर स्थानीय अदालत में, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। ध्यान रखिएगा, पेश उसी में करना पड़ता है, उसी जिले में जिस जिले में अरेस्टिंग होती है। तो मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल थाने में हुई है, तो वहां के, मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, स्थानीय मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। और मध्य प्रदेश पुलिस तब तक के लिए ट्रांजिट रिमांड लेगी और उस ट्रांजिट रिमांड पर रखेगी अपने पास, और उसके पश्चात जितनी देर की ट्रांजिट रिमांड मिलती है, 2 मिनट, 2 घंटे, 4 घंटे, 2 दिन, जो भी है, उतने टाइम में, जितनी टाइम की ट्रांजिट रिमांड मिली है उतने टाइम पर उन्हें कोर्ट में उत्तर प्रदेश पुलिस को सुपुर्द किया जाएगा। उसके बाद की आगे की कार्यवाही जो होगी वो यूपी पुलिस करेगी। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी और महत्वपूर्ण जानकारी यदि आपको चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। थैंक्स।